क्वेश्चन दिया है सॉल्व डी स्क्वेयर माइनस फोर डी प्लस थ्री इंटू बाई इक्वल्स टू साइन टू एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर? तो हमें क्या चाहिए, सिंबोलिक फॉर्म बना के दी गई है, हमें क्या करना है इसकी एक्सिलिएशन और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सॉल्यूशन में वी हैव डी स्क्वेयर प्लस सॉरी माइनस फोर डी प्लस थ्री इंटू y इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन टू एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, तो जहां पे क्या जाएगा इसकी एक्सिलरी इक्वेशन, इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो जहां पे क्या आएगा डी स्क्वायर माइनस, इसको ब्रेक करो क्या आता है थ्री डी माइनस डी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ओके, तो जहां पे क्या जाएगा पता चल गया भाई, फैक्टर कैसे किया मैंने, डी कॉमन निकाला डी माइनस थ्री माइनस वन कॉमन निकाला डी माइनस थ्री, इसका मतलब डी माइनस थ्री कॉमन निकाला पीछे क्या आ गया डी माइनस वन इक्वल जीरो। तो देयरफॉर डी की वैल्यू क्या आ गई वन और थ्री, डायरेक्टली कर दिया मैंने। ओके ना, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, ई रेस्ट ओवर एक्स सॉरी सी वन इंटू ई रेस्ट एक्स प्लस सी टू ई रेस्ट ओवर 3x, ई रेस्ट टू आवर 3x। ओके, क्वेश्चन नंबर वन से अब क्या करेंगे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा सॉरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो ये क्या आएगा वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस थ्री, ठीक है जी मेरे पास आया, इंटू क्या आ जाएगा साइन टू एक्स कॉस एक्स, साइन टू एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा ये बताओ साइन टू एक्स इंटू कॉस एक्स, क्लियर जी मनोज, अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा सिर्फ साइन एक्स या कॉस एक्स जहां पे डबल आ रहा है, इन डबल को रिमूव करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, किसके बनाता है टू साइन ए इंटू कॉस बी। लेकिन जब जहां पे यह सिर्फ साइन ए कॉस बी है तो साइन ए कॉस बी किसके इक्वल आएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन टू आएगा, ठीक ना। तो अलग अलग पॉइंट लिखो, क्या करो जब वन बाई टू लिखो इसका, इसका भी वन बाई टू लिखो, क्वेश्चन वैसे ही यहां पे करेंगे साइन टू एक्स कॉस एक्स है ना, समझ लीजिए साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी क्या आ जाएगा वन अपॉन डी स्क्वेयर माइनस फोर डी प्लस थ्री इंटू वन बाय टू साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस वन बाय टू क्या आएगा साइन ए माइनस बी, इसे ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब जहां पे क्या आ गया वन अपॉन डी स्क्वेयर माइनस फोर डी प्लस थ्री, जी कितना आया वन बाय टू साइन थ्री एक्स प्लस वन बाय टू साइन एक्स। ओके समझे, जो आया वन बाय टू वन बाय डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस थ्री इंटू साइन थ्री एक्स, ठीक है प्लस क्या आया वन बाय टू जी, जहाँ तो वन बाई टू कॉमन रख दो सब में, पहले ही कॉमन रख दो एक बार में, तो जहाँ भी क्या जाएगा वन बाई डी स्क्वायर प्लस माइनस फोर डी प्लस थ्री, तो ये कितना आ जाएगा साइन एक्स। ओके, अब क्या करेंगे हम, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो तो उसको कैसे करते हैं, इसको मैं अलग अलग निकालू अलग अलग स्टेप में, ठीक है टर्न बाई टर्न निकालता हूँ, तो क्या करेंगे इसको पी आई वन रखते हैं और इसको पी आई टू रखते हैं, ठीक है तो जब फॉर्मूला नोट कर दिया, हम इसको लिखते हैं पी आई इक्वल टू वन बाय टू पी आई वन प्लस पी आई टू। क्लियर? ये रखा हमने क्या, इसको रखा फर्स्ट। क्लियर? अब वेयर पी आई वन, ये क्या आएगा वन अपॉन
डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस थ्री इंटू साइन थ्री एक्स इंटू साइन थ्री एक्स, पुट करो इसको, डी स्क्वायर कितना आया माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन माइनस नाइन, तो जहां पे क्या जाएगा जब पुट किया था कितना वन अपॉन माइनस नाइन माइनस फोर डी प्लस थ्री जाता है साइन थ्री एक्स, वन अपॉन नाइन में सिर्फ थ्री निकाले सिक्स माइनस सिक्स माइनस फोर डी साइन थ्री एक्स, क्लियर। जहां पे क्या आएगा वन अपॉन क्या माइनस टू को कॉमन वाला पीछे क्या आ गया, क्या मैं टू डी प्लस थ्री लिखो, टू डी प्लस थ्री लिखो, ओके मुझे कितना आ गया हमारे पास साइन थ्री एक्स, एनी क्वेश्चन, ओके। अब जहां पे क्या आ गया हमारे पास इसको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज, राइट, माइनस वन बाई टू जी कितना आ जाएगा टू डी माइनस थ्री अपॉन टू डी प्लस थ्री इंटू टू डी माइनस थ्री, और जी कितना आ जाएगा साइन थ्री एक्स, क्लियर समझा, माइनस वन बाई टू टू डी माइनस थ्री, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थ्री एक्स, एनी क्वेश्चन, ओके। तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस वन बाई टू टू डी माइनस थ्री, तो यू नो डी स्क्वायर द्वारा वही पुट करना पड़ा माइनस थ्री का स्क्वायर जैसे हम पिछले पार्ट में पुट किया, तो क्या करेंगे हम टू इंटू माइनस नाइन और माइनस नाइन, क्लियर, ओके। जी क्या क्या साइन थ्री एक्स, मतलब पुट किया हमने डी स्क्वायर को माइनस नाइन, माइनस नाइन पता चल गया ना मेरे द्वारा थ्री का स्क्वायर जरूरत नहीं है। अब जहां पे कितना है माइनस वन बाई टू, ओके टू डी माइनस थ्री नाइन टू एटीन एटीन नाइन माइनस ट्वेंटी सेवन है ही नहीं, मुझे आ गया साइन थ्री एक्स, ओके। अब जहां पे आएगा विच इंप्लाइज पी आई वन इक्वल्स टू, तो ये कितना आ जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन है ट्वेंटी सेवन टू फिफ्टी फोर माइनस माइनस प्लस ये आ गया वन अपॉन फिफ्टी फोर, और ये आया क्या हमारे पास टू डी साइन थ्री एक्स माइनस थ्री साइन थ्री एक्स, ओके। तो ये कितना आया वन बाई फिफ्टी फोर टू साइन क्या आती है कॉस थ्री एक्स इंटू थ्री माइनस थ्री साइन थ्री एक्स, वन बाई फिफ्टी फोर थ्री टू या सिक्स कॉस थ्री एक्स माइनस थ्री साइन थ्री एक्स, ये क्या मिला आपको पी आई वन, क्या मिला पी आई वन। अब क्या लेंगे नाउ पी आई टू, पी आई टू क्या हमारे पास जरा पी आई टू ये क्या लेंगे वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस थ्री साइन एक्स, क्या आ गया साइन एक्स, ठीक है। तो पुट करेंगे हम डी स्क्वायर को माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन, इट मीन्स क्या आएगा हमारा वन अपॉन माइनस वन माइनस फोर डी प्लस थ्री इंटू साइन एक्स, क्लियर। तो ये कितना आया थ्री में से वन निकाले टू, ये कितना आया हमारे पास टू माइनस फोर डी, ओके और साइन एक्स। अब इसको क्या करेंगे हम रैशनलाइज, जहां तो इसमें से कुछ कॉमन निकलता है निकालना है, और कॉमन निकाल सकते हैं हम, ऐसे आपको पता है यहां से क्या कॉमन आ रहा है माइनस जहां टू कॉमन निकाल लो वन बाई टू कॉमन पीछे क्या बच गया वन बाई वन माइनस टू डी साइन एक्स, ठीक है। तो ये कितना आया वन बाई टू, इसको रैशनलाइज करेंगे हम वन अपॉन वन माइनस टू डी या वन प्लस टू डी इंटू वन प्लस टू डी, ओके साइन एक्स। तो जितना है वन बाई टू इसको किया वन माइनस वन प्लस टू डी, और ये ए प्लस बी है माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब फोर फोर डी स्क्वायर साइन एक्स। अब वैल्यू पुट करो वन बाई टू या वन प्लस टू डी अपॉन वन माइनस फोर डी स्क्वायर, डी स्क्वायर जहाँ पे क्या जाएगा माइनस वन है ही नहीं,
here this is a minus 1, they have 4 into minus 1 sin x. ओके तो ये कितना आया 1/2 इनटू 1 प्लस 2, देखो इसकी मल्टी करते हैं साथ में साइन एक्स की, साइन एक्स प्लस 2 इनटू 2 इनटू डी इनटू साइन एक्स अपॉन क्या जाएगा, ये हमारे पास माइनस प्लस है ना, 4 प्लस 1 5, 5 टू 10 मींस क्या आ जाएगा 1/10 लिख दिया मैंने इसको. ओके ना, अगला स्टेप क्या आ जाएगा 1/10 साइन एक्स 2, साइन की जगह क्या होती है हमारे पास कॉस एक्स. ओके जी क्या मिल गया आपको PI2, क्या मिल गया PI2, और ऊपर से आप उतार दिया इसको दे रेस तो जहां पे आएगा 9 फर्स्ट becomes as first क्या दिया pi equals to 1/2 pi 1 बन गया नाना हमने by 54 6 cos 3x minus 3x ठीक है plus p2 क्या है 1/10 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स. ओके 2 की मल्टी इधर करो कितना आता है 108 इज राइट, और ये कितना आया 6 कॉस 3x माइनस 3 साइन 3x. ओके एनी क्वेश्चन प्लस 1/20 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स. ओके कोई क्वेश्चन समझ आया आपको, ठीक है इस तरह से मैं जी ने क्या निकला हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब कह रहे हैं नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यू नो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकाला आपने वो मैंने ऐसे कर दिया, इसका मतलब क्या था वो c1e^x प्लस 3c2e^3x आई थिंक दे था है नहीं, प्लस क्या आएगा 108 6 cos 3x minus 3 sin 3x. ओके तो प्लस 1/20 sin x प्लस 2 cos x. ओके ये हमारा क्या मिल गया कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया. कोई क्वेश्चन पूछना कुछ, ओके कोई डाउट है आपको. ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत.